आइए हम एक साथ जानते हैं कि कैसे आप एक स्वादिष्ट और कुरकुरे सेब की क्रम्बल तैयार कर सकते हैं, जिसका हृदय नरम और फलदार होता है, कटे हुए बादाम और एक अद्भुत दालचीनी के नोट के साथ समृद्ध होता है। सामग्री: 4 ग्रैनी स्मिथ सेब या एक समान प्रकार के सेब जो थोड़े खट्टे हों, 1 नींबू का रस, 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम मैदा, 80 ग्राम ठंडा मक्खन, 50 ग्राम कटे हुए बादाम, थोड़ी सी दालचीनी, छुटकी भर नमक, 20 मिलीलीटर विंसांतो, यह इटालियन वेरिएंट के लिए वैकल्पिक है, और वनीला आइसक्रीम या कस्टर्ड सर्व करने के लिए ये भी वैकल्पिक है। सेबों को छीलें और उन्हें क्यूब्स में काटें, उन्हें एक बाउल में डालें, नींबू का रस, ब्राउन शुगर का आधा हिस्सा और अगर आप चाहें तो विंसांतो डालें, अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। एक दूसरे बाउल में बाकी की ब्राउन शुगर, मैदा, कटे हुए बादाम, दालचीनी और नमक को मिलाएं। मैदा के मिश्रण में ठंडे मक्खन के टुकड़े जोड़ें और उंगलियों का उपयोग करके उसे मिलाएं जब तक मिश्रण मोटे टुकड़ों की तरह न हो जाए। सेब और उनका रस एक पायरेक्स डिश में डालें और समान रूप से वितरित करें। सेब, मक्खन और मैदा का मिश्रण फैलाएं, उन्हें पूरी तरह से ढक दें। 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट किए गए ओवन में लगभग 40 मिनट तक या सतह के सुनहरा और कुरकुरा होने तक बेक करें। सर्व करने से पहले सेब की क्रम्बल को कुछ मिनट के लिए आराम दें और उसे वनीला आइसक्रीम या कस्टर्ड के साथ पेश करें, ताजगी और मलाईदार अनुभव के लिए। नए स्वादिष्ट रेसिपीज के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट जरूर देखें। सेब की क्रम्बल का उदाहरण यह है कि किस तरह से कुरकुरे टॉपिंग का मिश्रण नरम फल, बादाम और मसालों के दिल के साथ पूरी तरह से मिलता है, एक डेजर्ट जो पहली चखने पर ही जीत लेता है।